दोस्तों, वजन बढ़ाने वाली काफ़ी सारी ऐसी देसी दवाइयाँ, देसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनसे कि आप बहुत ही जल्दी अपना वजन बढ़ा सकते हैं। शरीर में अगर ताकत की बात की जाए तो इन देसी जड़ी बूटियों से शरीर की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, आप कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते, ताकत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसी ही मैंने काफ़ी सारी देसी जड़ी बूटियों के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं अश्वगंधा से आप वजन कैसे बढ़ा सकते हैं। अश्वगंधा से रिलेटेड काफ़ी सारे मैंने उस पर जितने भी टॉपिक बन सकते हैं सभी पर वीडियो बनाई है। शतावरी से आप वजन कैसे बढ़ाएं, अश्वगंधा शतावरी दोनों से, उन पर भी वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियो को देख लेना। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा किस तरीके से आप शिलाजीत को अपनी डाइट में ऐड करके अपना वजन बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि वजन बढ़ाने के लिए आप जब किसी भी चीज़ को अपनी डाइट में ऐड करें तो उसे सही से फॉलो करें। कुछ टाइम तक आपको उसे फॉलो करना होता है, ये नहीं कि कुछ दिन आपने यूज किया और आप कहें कि रिजल्ट नहीं मिल रहा। कुछ टाइम तक तो आप उसे फॉलो ही करें, आपको रिजल्ट तभी देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी होती है कि आपको अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखना होता है। आप उसी चीज़ पर डिपेंड हो जाते हैं कि अगर आप, मैंने ये कह दिया कि आप शिलाजीत से वजन बढ़ा लेंगे तो आप शिलाजीत ले रहे हैं तो आप ये सोचते हैं कि इससे मेरा वजन बढ़ जाएगा। आपको पूरी डाइट पर ध्यान रखना होगा, कम से कम 5 से 6 बार अगर आपको पूरे दिन में खाना है तो खाना ही पड़ेगा, जिससे कि आपकी कैलोरी ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में जाए। एक्सरसाइज करने के लिए बोला है तो एक्सरसाइज आपको करनी ही पड़ेगी, जिससे कि आपका डाइजेशन सही रहेगा, आपकी मसल्स को भूख लगेगी, भूख लगेगी तो आपकी बॉडी में खाना डाइजेस्ट भी होगा। तो इन चीज़ों को फॉलो जरूर करना होता है, और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट जल्दी नहीं मिलेगा या देर से मिलेगा, तो फिर आप निराश हो जाते हैं। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। तो बस वीडियो शुरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको किस तरीके की या कौन सी आपको शिलाजीत खरीदनी है। तो आपको एक ब्रांडेड कंपनी की शिलाजीत खरीदनी है, और ये दो फॉर्म में आती है, जैसे कि इसका कैप्सूल भी आता है और ये लिक्विड फॉर्म में भी आती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसे लिक्विड फॉर्म में ले लें, जिससे कि आप इसे किसी भी चीज़ में आसानी से, किसी भी आप जो भी शेक पी रहे हैं उसमें आसानी से इसे मिक्स कर सकते हैं। तो जो लिक्विड फॉर्म में आएगी मैं उसे बताऊँगा, आप जो भी शेक पी रहे हैं वैसे तो उसमें भी मिक्स कर सकते हैं, पर फिर भी आपको इसका अगर ज़्यादा फायदा चाहिए तो आप इसे दूध में मिक्स करके पिएं। हल्का सा गर्म दूध लें और थोड़ा सा इसे पहले हिला लें, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत नीचे बैठ जाती है तो वो सही से मिक्स हो जाए सीसी में आपकी, और उसके बाद आप उसमें से कुछ बूंद अपने मिल्क में मिलाकर उसे सही से घोल लें, और उसके बाद आपको इसे यूज करना है। तो आप इसे सुबह में अगर लेंगे तो ये समझ लीजिए आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे, सबसे बेस्ट टाइम आपका सुबह का ही रहेगा। तो पूरे दिन आपको एनर्जी मिलती रहेगी इससे, पूरे दिन एनर्जी फील करेंगे आप, तो इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो थोड़े से और फायदों की इसकी बात करें तो सबसे बढ़िया फायदा, अगर आपकी बॉडी का वजन कम है तो वो जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका डाइजेशन सही रहेगा, बॉडी में खून की कमी है तो वो बहुत ही जल्दी दूर होगी, और साथ में आपके शरीर की कमजोरी वो दूर होगी। और एनर्जी की बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी, एनर्जी इतनी ज़्यादा आपको इससे मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, ये थे इसके कुछ फायदे, तो आप इसे यूज कीजिए, और जैसे कि मैंने आपको बताया है आपको कुछ टाइम तक तो इसे फॉलो करना ही होगा। और वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दें, नहीं तो हमारे साथ बने रहिए और हम देखते रहिए एक से एक बढ़िया वीडियो। जय हिंद, जय श्री राम।